भाजपा मंत्रियों का सामूहिक इस्तीफा, शिवराज की उड़ी नींद, मध्य प्रदेश की सियासत में आया भूचाल। आपको बताते चले, अब से 3 साल पहले जो हाल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का हुआ था, वही हाल संभवतः बीजेपी की शिवराज सरकार का भी हो सकता है। जी हां, कांग्रेस सरकार को गिराने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री ने कहा है कि अगर बात नहीं मानी गई तो वह सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। बता दें कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान का दौर जारी है। इस आपसी खींचतान के चक्कर में कुछ दिन पहले ही भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी इस्तीफा दे चुके हैं। वह इस खींचतान की ज्वाला अब बुंदेलखंड क्षेत्र में धधक रही है। यहां शिवराज सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच मनमुटाव चल रहा है। इस खींचतान की शिकायत सीएम शिवराज सिंह चौहान से की गई है। मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत आज संगठन के पदाधिकारियों से भी मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत करेंगे। महज 1.5 साल में गिर गई थी कांग्रेस सरकार। मालूम हो कि 15 साल के लंबे वनवास के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के पद पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विराजमान हुए, लेकिन पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मान सम्मान नहीं मिल पाने की वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि इधर बुंदेलखंड में सियासी खिंचतान की वजह से भारतीय जनता पार्टी में संकट के हालात उभरते नजर आ रहे हैं, जबकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब महज 6 महीने का समय ही बचा है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।